हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोशन कुमार और आज मैं लेकर आया हूं एक चॉपर। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है पुश एंड चॉप चॉपर। ठीक है, तो ये चॉपर मैं कल लाया था। आप देख सकते हैं ये 99 रुपीज इसमें फ्री था, मतलब कि 100 रुपये का ये बहुत सस्ता है। ठीक है, और इसमें भी उसमें भी एक लाइटर फ्री मिला था मेरे को, काफ़ी सस्ता मिला था। और मैं अब इस चॉपर को यूज करके दिखाऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये आपके किचन में जो भी काम है उसको कितना आसान बनाता है। तो आप पहले इस डब्बे को अच्छे से देख लीजिए, चारों ओर मैं दिखा दे रहा हूँ, आपने देख लिया होगा इस डब्बे को। और देखिए इसमें ये लाइटर भी फ्री मिला है मेरे को, ये लाइटर भी फ्री मिला है मेरे को। और इसमें ये फिक्सिंग कैसे किया जाता है इसके इसके लिए दिया गया है और आप ये भी देख सकते हैं। फिक्सिंग बहुत आसानी है, आप इसको आराम से खोल के आराम से फिक्स कर सकते हैं। और देखिए ये भी खुल जाता है ऐसे करने से। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, सारा सामान इसका खुल जाएगा। और अब देखिए इसको मैं फिक्स कैसे करता हूँ ये दिखाता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी फिक्सिंग कैसे होनी चाहिए। तो आप इसको सबसे पहले इस प्रकार से यहाँ पर फिक्स कीजिए, उसके बाद इसको इधर यहाँ पे इस प्रकार से लगा दीजिए। उसके बाद इसको यहाँ पे रखिए ऐसे, ये काम क्यों नहीं कर रहा। कल तो ये वहां पे वर्क कर रहा था, क्या हो गया अचानक से। मुझे देखना होगा किसने प्रॉब्लम। बहुत सावधानी के साथ ये ब्लेड, ओ यार ये तो चाकू है, मैं तो सोच रहा था ये ब्लेड है, ये काफी धार है, उंगलियां भी आपकी कट सकती है, इस वजह से काफी आप ध्यान से इसको देखिए। ये यहां से तो काम कर रहा है लेकिन यहाँ पे जब डालता हूँ तो ये वर्क नहीं करता है। तो शायद मैं इसको गलत तरीके से लगा रहा हूँ, अब ये वर्क करेगा। इसमें लाइनिंग है, आपको वो लाइनिंग फिक्स करनी है। देखिए अब ये वर्क कर रहा है। मैं क्या कर रहा था इसमें मेरे को पता नहीं था, इसके अंदर भी सेंटर में एक लाइनिंग है, आपको उस लाइनिंग का ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया, अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो अब वो यूज करने का तरीका देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं सेब को काट काट के डाल देता हूँ। मेरा हाथ थोड़ा सा कट गया आई थिंक, हाँ देखिए ब्लड निकल गया ना यहाँ पे, इतना धार है, मेरे को पता नहीं था इतना तेज धार होगा, ब्लड निकल गया हाथ में। मैं इस सेव के टुकड़े को मेरी उंगलियां कट गई। ओह
मुझे कतई पता नहीं था कि इतना धारदार होता है ये। आई थिंक दो सेब काफी है, मेरे को अब लग रहा है कि इतना सेब काफी है और ये बच गया है, इसको रहने देते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे सबसे ज्यादा इसमें परेशानी यही है कि इसको इसमें फिक्स करना है, एक इसमें बीचों बीच लाइनिंग है उसमें इसको डालना है। अब ये अंदर जाएगा तो जाएगा कैसे, फिर हाथ कट ना जाऊंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका यूज कैसे किया जाए। और ये तो ऐसे बंद हो जाएगा, ये खुल भी नहीं रहा है। परेशानी ये है कि इसको इसमें सब्जी कहाँ से डालूंगा मैं, यानी ये टुकड़े कहाँ से डालूं। अब देखता हूँ इसको इसमें रहने देता हूँ। यानी कि ऐसे इस्तेमाल करना है इसका। अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, जो काम ही नहीं कर रहा है। ये सक्सेस नहीं है, बेकार इसको मैंने खरीदा था। अभी लग रहा है ये बेकार मैंने लिया है, सक्सेस नहीं है क्योंकि काम नहीं कर रहा है ये। ₹300 मेरा बर्बाद हो गया इसमें। क्योंकि ये नहीं कर रहा है काम। जब कुछ नहीं रहता है तो ये तो रोटेट होता है, लेकिन
लेकिन अगर इसमें मैं सब्जी ही ना डाल सकूं तो क्या फायदा इसका? अब मैं एक दो टुकड़े डालकर देखता हूं। इतना यूजलेस मैं कभी नहीं देखा था, ये सच में बहुत ही बेकार चीज है। थोड़ा थोड़ा डालने से काम करता है, ज्यादा डालने से बिल्कुल काम नहीं करता। ये यानी मैं इसको ऐसे डालूंगा। अब इसकी पत्तियां जो है ना, ये थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए थी, इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी है, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा। मुझे वहां पर एक महिला थी, उसने बोला था बेटा मत लो ये बेकार है। मैं सोचा सस्ता है ले लेता हूँ, और मॉल में मैं थोड़ा विश्वास करता हूँ कि मॉल वाले सामान खराब नहीं बेचते होंगे। लेकिन ये क्या, ये सामान तो सही है ही नहीं। देखिए जहाँ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला सेब, तो ये काम करना ही बंद कर दिया। ऐसे करके करना पड़ रहा है तब जाके हो रहा है। अब मेरे को तो ये लग रहा है, पता नहीं ये कब टूट भी जा सकता है। देखिए अब ऐसे जब सीधा करके करता हूँ तो ये काम नहीं करता है। एनी हाउ जैसे तैसे मेरा ये लगभग जो मैं सेव का बना रहा था, कद्दूकस कर रहा था, चॉपर को चॉपिंग कर रहा था, ये हो चुका है। 100-150 रुपए का सामान कितना अच्छा चलेगा, बात ये भी है। अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये देखिए ये इस प्रकार से चॉप हो चुका है। अब मैं इसको इसमें डाल देता हूं। ये स्पेशल उन लोगों के लिए जिसके पास दांत नहीं है, वो आराम से इसके छोटे छोटे टुकड़ों में करके खा सकते हैं। ये हो गया मेरा सेब को, अब मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। अब मैं चॉप करूंगा प्याज और टमाटर। मैंने 4 सेब लिया था, 4 में से 2 का ही किया हूं।
इस बार मैं छोटा छोटा प्याज डाल के देखता हूँ कि ये कैसे चॉपिंग होता है या नहीं होता है। इसमें जैसा चॉपर हुआ वैसे तो मैं हाथ से ही काट लूंगा। मेरे को इसका पर्पस समझ में नहीं आ रहा है कि ये बनाया किस पर्पस से है। इसमें जितना छोटा छोटा हो रहा है वैसे तो मैं हाथ से भी कर सकता हूँ, पर इसमें भी ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि इसको भी साफ करना पड़ेगा। इसमें भी 10 तरह का झमेला है, इसको साफ करो, इसमें लग गया है। अब इसमें जाएगी 2 हरी मिर्च। मैं हरी मिर्च को ऐसे ही डाल रहा हूँ, देखता हूँ ये कैसे वर्क करता है। और 2 टमाटर, टमाटर भी मैं ज़्यादा छोटा नहीं करूँगा, ये मेरे को देखना है इसका काम, एक कैसे काम करता है। क्या हो सकता है ये फर्स्ट टाइम है, मेरे को चॉपर चलाना नहीं आ रहा हो प्रॉपर तरीके से, लेकिन मेरे को पसंद नहीं आया ये चीज़, बकवास है, बिल्कुल बकवास। इसको मैं इसलिए बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि ये जाएगा नहीं अंदर, मेरा हाथ कट गया आज सुबह सुबह। अब मुझे देखना पड़ेगा ये, इसमें सारा खेल इसी प्रोजेक्टर का है, यहाँ पे प्रोजेक्शन आना चाहिए आपको, इसको कैसे फिट करते हैं। इतना ये टाइम पैटर्न है, आई विल नेवर लाइक दिस। काफी समय ले रहा है ये, अगर मिर्च आराम से छोटे छोटे टुकड़े में कट गया तो समझो कि ठीक है, पैसा वेस्ट नहीं गया, थोड़ा सा कभी कभी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मिर्च काटने में हाथ जलता है लहरता है तो उस वक्त इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं इसमें टमाटर डाल के देखूंगा, यहाँ पर एक छेद होना चाहिए था जिसको हटा के डाल सकते थे सामान आराम से। इसको बनाया है लेकिन जिस उद्देश्य के साथ इसको बनाना चाहिए था वो उद्देश्य नहीं हो पाया है कंपनी का। टमाटर को अब डालूंगा, बहुत तीखा लग रहा है हमको, मिर्च आई थिंक ज्यादा तीखा था, मैंने अदरक भी लिया था, अब इसमें अदरक डालूंगा। देख सकते हैं आप मिर्च भी कट गया लेकिन वैसे नहीं कटा जितना मैंने उम्मीद कर रखा था, तो अदरक का तो क्या हाल होगा मेरे को पता है, अदरक तो थोड़ा कठोर होता है, ये भी उतना आसानी से नहीं कटने वाला है। अब मैं इसमें अदरक को डाल देता हूँ,
ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा। अब इसमें जाएगा टमाटर, मैं टमाटर भी डाल दिया हूं। अब इसको इसमें फिक्स कर देते हैं। ये टूट ना जाए, वैसे भी इसको मेरे को ज्यादा दिन यूज नहीं करना है, टूट भी गया तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये बहुत बेकार चीज है। जो भी लिया होगा वो सोच रहा होगा मैं पता नहीं किस अशुभ वक्त में लिया था। लेकिन एक चीज है, इलेक्ट्रिसिटी से आपका सेव होगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगा। इस प्रकार से करते रहिए। अब ये लगभग रेडी है, अब इसको मैं धो धा के रख दूंगा। ये सब चीज यूज करने के बाद धोना पड़ता है, वो भी बड़ा समस्या होता है, उसमें भी बड़ा परेशानी है। धोवो फिर साफ करो। ये आप देख सकते हैं, ये सही से चॉपिंग हुआ है जैसा मैंने उम्मीद किया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। लाजवाब है, आपके मुंह से पानी निकल जाएगा। आपको मैं दिखा सकता हूँ, देखिए आज मैं मूवी जाने का सोच रहा था, लेकिन मैं सोचा चलो इसका वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों से शेयर करता हूँ, इस वजह से मैं इस पे लग गया था आज। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। और इसमें मुख्यतः तीन पार्ट होता है, एक दो और इसका ब्लेड, बहुत धारदार है जो मेरी उंगलियाँ काट दिया इसने, और ये। और इस प्रकार से आपका बनेगा मटेरियल, आप देख सकते हैं कितना अच्छा चॉपिंग हुआ है। तो आप लोग अगर मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्त यारों को कि इन सब चीज़ों को ले या ना ले, या ऑपरेट कैसे करें इन सब चीज़ों के बारे में, या लेने के बाद कैसे ये वर्क करता है, सक्सेस होता है या नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा जानकारी मिलेगा और आप अपना जब नेक्स्ट शॉपिंग करने जाएंगे तो थोड़ा सोच समझ कर करेंगे। तो इसी बात के साथ मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद, राम राम।